So we welcome you. National Smart City Fest 2018 का इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री अनुराग जी, महापौर सोलापुर श्रीमती शोभा श्रीशाली बानसेकी जी, महापौर मुरादाबाद श्री विनोद अग्रवाल जी, म्युनिसिपल कमिश्नर अहमदाबाद मुकेश कुमार जी, भाई और बहनों, यूनेस्को ने अहमदाबाद सिटी को हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया है और भारत का सबसे पहला हेरिटेज सिटी अहमदाबाद में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और अहमदाबाद को मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी का भी दर्जा दिया है, तो हेरिटेज और स्मार्ट सिटी यानी के पुरातत्व आधारित ये पुराना सिटी और आधुनिक स्मार्ट सिटी, ये दोनों का समन्वय इस अहमदाबाद में। और अहमदाबाद दुनिया में ऐसे कम शहर है कि जिसमें ऐतिहासिकता और आधुनिक स्मार्ट सिटी का प्रावधानों का संगम हुआ है। विकास डेवलपमेंट अब ये मोदी जी के कारण पूरी राजनीति में ये फोकस बन गया है। भारत की आबादी का 70% हिस्सा अब भले ही गांव में रहता है, लेकिन शहर गांवों के विकास के लिए जरूरी और गांव भी शहर आधारित उनका जनजीवन बन गया है। गुजरात में 45% पॉपुलेशन अब अर्बन पॉपुलेशन है, धीरे धीरे 50% से ज्यादा हो रही है और शहरों भी उनकी समस्या, उनकी विशेषता और लोगों का ज्यादा से ज्यादा गांवों से शहरों में बसना ये आज की स्थिति बन गई है, क्योंकि शहरों में एजुकेशन, हेल्थ, रिक्रिएशन और शहरों में रोजगारी की भी बहुत बड़ी उपलब्धियां होती है। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ये सिटी बन गए हैं, तो मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी और उनके आधार पर उनकी प्राथमिक सुविधा, रास्ता, गटर, लाइट, पानी, सफाई, स्वच्छता, ये सब आज की स्थिति में आवश्यक बन गया है कि इसमें 100% प्रॉपरली उनको सुविधा मिले और पानी का एक एक बूंद उसको संभाल कर उसका उपयोग हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी अच्छी रहे, सर्विसेज जो है वो 100% परफेक्ट रहे, तो इसके लिए स्मार्ट सिटी में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए नए नए इनिशिएटिव्स आवश्यक है। मुझे बताया कि स्मार्ट सिटी पर जिन लोगों ने इनोवेशन किया है और
जो स्टार्टअप किया है, बाहर उनकी भी प्रदर्शनी लगी है, और अब शहरों में हैकाथॉन हो रहा है, बच्चे लोग भाग लेते हैं, और शहरों की जो समस्या है उन पर संशोधन करते हुए वो अपना इनिशिएटिव लेते हुए नया इनोवेशन करते हुए ये समस्या को कैसे सुलझाए टेक्नोलॉजी के आधार पर, उसके बारे में हैकाथन के बाद शहरों को भी नई नई उसमें से टेक्निक मिलती है। गुजरात में 6 शहरों में स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है। हमारे गुजरात के 4 बड़े महानगर अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट और गांधीनगर कैपिटल और एक ट्राइबल सिटी दाहोद, उसको भी स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है। और इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा, सैनिटेशन, ड्रेनेज, ट्रांसपोर्ट, इन सबको सुआयोजित रूप में विकसित किया गया है और उनके साथ कहीं भी कहीं सुविधा में जिस तरीके से वृद्धि की महसूस और आवश्यकता हो तो उनके लिए प्रबंधन करना ये सरकार और कॉरपोरेशन साथ में हम लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से ट्रैफिक की समस्या और पॉल्यूशन, ये 2 शहरों के लिए बड़ी चैलेंजेस है, क्योंकि अब जैसे अहमदाबाद तो मेरे ख्याल से 50 लाख से ज्यादा आबादी है और यहाँ व्हीकल्स वो भी 50 लाख से ज्यादा है, तो जो डेंसिटी बढ़ जाती है, ट्रैफिक की समस्या, पार्किंग की समस्या, ये बड़ी चैलेंज है। और दूसरा एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन के बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से पहले हमने समाचार सुने थे, देखे थे कि दिल्ली में 4-5 दिन काफी पॉल्यूशन बढ़ गया था, तो लोगों की आरोग्य की एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। और आफ्टर ऑल जहां उनको रहना है तो उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, पर्यावरण का ध्यान रखे और उनकी हेल्थ को कोई तकलीफ ना हो, ये भी कॉरपोरेशन की जिम्मेवारी है। तो उसके बारे में भी आज नहीं तो कल हमें पूरा कदम उठाना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, ई व्हीकल्स, कार्बन कम हो और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी रिसाइकलिंग प्रोसेस से लेकर पानी का भी रिसाइकलिंग, ये सब इश्यूज पर स्मार्ट सिटी में उसके बारे में भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। वैश्विक स्तर की जो सुविधाएं हैं और विश्व कक्षा का वर्ल्ड क्लास सिटी बने, तो जैसे डेवलप्ड कंट्री के जो सिटीज हैं उनके साथ हमें मुकाबला करना पड़ेगा, और उस दृष्टि से भी अच्छी से अच्छी सुविधा किस तरीके से हम दे सके उसके बारे में भी विचार करने की आवश्यकता होगी। आज अहमदाबाद में भी अभी मैंने कंट्रोल रूम का इनॉग्रेशन किया, आप सब लोग भी यहां से वहां जाने वाले हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कमांड एंड कंट्रोल पूरा सिटी में वहां से अब होगा। अच्छा लगा, काफी समस्या का सॉल्यूशन वहां मिल रहा है। और आज तक जिस तरीके से बड़े बड़े सिटी
चल रहा है, कोई कमान नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, पता नहीं चलता है किस कोने में क्या हो रहा है। तो अब पूरी वीडियो वॉल पर पूरी सिटी उसमें आ जाती है और सिटी सर्वेलेंस सीसीटीवी कैमरा। अब गुजरात में भी हम सभी डिस्ट्रिक्ट सिटी पर अब लग रहा है, सिटी में सर्वेलेंस भी हो रहा है, क्राइम से लेकर एनक्रोचमेंट तक, सफाई से लेकर ट्रैफिक कंट्रोल तक, ये कमांड एंड कंट्रोल उस पर नियंत्रण करेंगे। ई हेल्थ, स्मार्ट वाटर, ई गवर्नेंस, अर्बन मोबिलिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्वेरेज ट्रीटमेंट प्लान, ग्रीन एनर्जी, इस सबको भी उसमें भी लाभ मिलेगा। और स्मार्ट सिटी की योजना के कारण, कमांड एंड कंट्रोल के कारण एक नई व्यवस्था हम प्रस्थापित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत के अर्बन डेवलपमेंट में एक नई दिशा मिलेगी और इसके कारण आज तक जो व्यवस्था में अभाव रहता है, खराब व्यवस्था होती है तो लोग कमेंट करते हैं कि ये म्युनिसिपैलिटी वाले हैं, यानी कि म्युनिसिपैलिटी इसका मतलब कोई अच्छी व्यवस्था नहीं। तो ये जो डेफिनेशन है उसको हम चेंज करने वाले हैं कि म्युनिसिपैलिटी भी अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। और इस दृष्टि से स्मार्ट सिटी, स्मार्ट म्युनिसिपैलिटी, स्मार्ट कॉरपोरेशन, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ प्रधानमंत्री ने बताया है कि ईज ऑफ लिविंग, तो यह भी आवश्यक है कि अच्छी तरह से जीने के लिए क्या क्या मापदंड होना चाहिए। और उस दिशा में गवर्नमेंट एजेंसी, सेमी गवर्नमेंट एजेंसी भी उस दिशा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह नॉर्म्स बनाते हुए ईज ऑफ लिविंग को भी हमें अच्छी तरह से ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि सुखी संपन्न से लेकर गरीब तक सबको अच्छा जीने के लिए अपना शहर, अपना गांव, अपना घर चाहिए। तो उसको ये सब ईज ऑफ लिविंग में पूरा क्राइटेरिया के आधार पर जीने के लिए अच्छी सुविधा मिले, ये आवश्यक है। स्वाभाविक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो भी आज की आवश्यकता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रोड, रास्ता, पुल, ओवरब्रिज, टाउन हॉल से लेकर BRTS, तो ये सब भी जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। वैसे भी लोग कहते हैं कि भारत 50 साल पीछे है और हम धीमे धीमे करेंगे तो और साल बढ़ता जाएगा पीछे रहने का, तो जल्दी से आगे आना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टाइम बाउंड और जल्दी से जल्दी रोड, रास्ता, लाइट, बिजली, इसके बारे में भी ये सब होना चाहिए। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने LED लाइट लोग लगाए, कॉरपोरेशन म्युनिसिपैलिटी भी अपने रास्ते पर बिजली के खंभा पर LED लाइट लगाए, तो उसमें आज गुजरात ने अच्छा काम किया है। सबसे ज्यादा LED लाइट पूरे देश में गुजरात ने लगाई है और पावर सेविंग में और फाइनेंशियली भी करीबन 900 करोड़ से ज्यादा फायदा गुजरात को LED लाइट से हुआ है, क्योंकि कभी कभी कोई म्युनिसिपैलिटी तो लाइट का बिल पे करने के लिए पैसा भी नहीं होता है,
तो उसके लिए भी ये बड़ी एलईडी लाइट से सुविधा होगी और प्रधानमंत्री जी का जो ये इनिशिएटिव्स है तो उसको भी आगे लेकर हमें चलना है। स्वाभाविक है कि सिटी की डेवलपमेंट के लिए सुविधा के लिए सिर्फ म्युनिसिपैलिटी के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक पर्याप्त नहीं है, उसके साथ पुलिस, उसके साथ पेरिफेरी की अथॉरिटी, ये सबको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा क्योंकि ट्रैफिक से लेकर लॉ एंड ऑर्डर और कानून को अच्छी तरह से संभालने के लिए सिटी के साथ यानी कि कॉरपोरेशन, पुलिस और अथॉरिटी, इन तीनों को साथ में लेकर काम करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि आईओटी सेंसर्स, स्मार्ट एलईडी डिस्प्ले बोर्ड, फ्री पब्लिक वाईफाई और हजारों सर्वेलेंस कैमरा और सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी हमें बढ़ानी पड़ेगी और स्मार्ट सिटी में तो ये सब करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए भी जल्दी से जल्दी, क्योंकि आईटी टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरा, उसमें भी फ्रीक्वेंसी को लेकर हाई फ्रीक्वेंसी हर रोज नई नई उसमें नई टेक्नोलॉजी आती है, तो ऐसा ना हो कि आज हम लगाए और कल वो पुरानी हो जाए। तो लेटेस्ट से लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वही लगाना है, उनके एक्सपर्ट्स, उनके मेंटेनेंस और उनके लिए भी हमें अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा। बस सर्विस यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और उसमें मास ट्रांसपोर्टेशन, और गुजरात ने बीआरटीएस का सफल प्रयोग किया है तो उसमें भी टाइम टू टाइम जीपीएस सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम और ज्यादा से ज्यादा मास ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेंगे तभी ये ट्रैफिक की समस्या का सॉल्यूशन होगा। और बहुत सारी ऐसी सुविधा है कि जिसमें पीपीपी मॉडल पर भी आवश्यक हो तो उस पर भी काम करना पड़ेगा, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसमें भी वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम रीडेवलपमेंट, स्वच्छता, बाकी सारे क्षेत्रों में उसका भी हमें उपयोग करना पड़ेगा। और गुजरात में ये पीपीपी मॉडल सफल हुआ है और उससे भी अधिक लाभ हुआ है। इस बार गुजरात गवर्नमेंट ने अभी बजट पेश हुआ 12,500 करोड़ रुपया हमने अर्बन डेवलपमेंट के लिए इस बार रखा है, और हमारी सरकार की इच्छा है कि वर्ल्ड क्लास सिटी गुजरात के सिटी बने और ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी के साथ आने वाले दिन में अन्य सिटी की बराबरी करे, उस दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। अहमदाबाद 607 साल पुराना सिटी है, दुनिया में ऐसा कोई सिटी नहीं है कि स्मार्ट सिटी भी हो और वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी हो, और अहमदाबाद ने ये यानी कि ये मैनचेस्टर था, इसका मतलब कि कापड़ उद्योग में, टेक्सटाइल में अहमदाबाद का नाम था। आज भी गुजरात में टेक्सटाइल में काफी प्रगति की है और टेक्सटाइल में पूरे देश में गुजरात नंबर वन है। तो अहमदाबाद की पहचान ये जो उनकी हेरिटेज वैल्यू है वो भी अवश्य रहे, और उसके साथ स्मार्ट सिटी में भी हर संभव उनकी एक सोच आगे बढ़ती रहे और गुजरात यानी कि गुजरात शांत, गुजरात समृद्ध
गुजरात व्यापारी और गुजरात ने जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डेवलपमेंट में जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है उसमें मुझे लगता है कि शहरों को भी काफी उस ऊंचाई को टिकाने के लिए भी काफी काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आज का ये कार्यक्रम सभी स्मार्ट सिटी के लिए अवश्य उपयोगी बनेगा और बाहर से आए हुए लोग भी उनका यहाँ इस सेमिनार में उनका भी काफी मार्गदर्शन भी मिलेगा और उत्साह बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जी की जो सोच है स्मार्ट सिटी पूरे भारत में अच्छी तरह से आगे बढ़े और नया भारत का निर्माण करने के लिए जो उनका सपना है उनको हम साकार करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री राकेश शंकर, सीईओ अहमदाबाद स्मार्ट सिटी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। ऑल्सो लेट्स वेलकम श्री दिव्या ओझा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर NEC। एंड नाउ देयर इज अनदर बिग मोमेंट ऑफ द डे। We will be launching AMTS, City Bus Service, Electronic Ticketing System. Chief Minister, sir. Now, this is a system that as a part of the Smart City project, the ITMS, we have finished with our first open loop card in Smart City, which you are aware, some of you are aware that this is a card which allows you transaction for retail as well as transit, non-retail. It's a one solution for all the transactions that you would want to do in a city. Now, while we are doing it for BRTS, we are doing somewhere around 1.5 lakh passengers a day in BRTS, where we automated our systems in BRTS. We are moving on to a city bus service, where we do, hum log 6.5 lakh passengers roj AMTS में ले जाते हैं। कुल मिला के 8 लाख पैसेंजर्स हम लोग दोनों सर्विस में केटर करते हैं डेली के। अब AMTS की जो पूरी सर्विसेज है उसमें पहले चरण में 100 बसेस के आसपास हम ये ETMs लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आप कैश से भी अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। QR कोड का बेस पे आपको टिकट मिलेगा और साथ में ये जनमित्र कार्ड जो है इससे भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी अहमदाबाद को बड़ी खुशी हो रही है। वी वॉन्ट टू थैंक ऑनरेबल CM साहब की आज उनसे ये ITMS, AMTS और ये ETM का लॉन्च हो रहा है। मैं सर से विनंती करूंगा कि इसका जो टिकट है वो निकाल के इसका लॉन्चिंग हो। जोरदार तालियां हो जाए। आप सभी को ढेर सारी बधाइयां। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल फेलिसिटेट आवर 3 बेस्ट स्टार्टअप्स फ्रॉम द स्टार्टअप फेस्ट। सो आई वुड बी कॉलिंग देम ऑन द स्टेज। लेट्स वेलकम देम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। लेट्स वेलकम कार कनेक्ट फॉर रोबस्ट एंड स्मार्ट IoT सॉल्यूशंस। Let's give them a big round of applause. Car Connect. Congratulations. And then, ladies and gentlemen, let's welcome IACON for Walkout Payment System. Congratulations, IACON. Let's give him a big round of applause. Come on, everyone. Next, we have
Yoris for personalized storytelling using digital platforms. Congratulations. These are the three winners for the best startups from the Startup Fest. Congratulations to all our three winners. Now, ladies and gentlemen, we would be launching the special issue of BW Smart Cities magazine. For that, I would also request Mr. Manish Arora, Associate Editor, BW Business World, to join us on the stage. Let's welcome him. It's a big moment of the day, ladies and gentlemen. We will now launch BW Smart Cities magazine on smart cities in Gujarat. I would request all the dignitaries on the stage to please do the honors and launch the BW Smart City magazine, Smart Cities in Gujarat. Ladies and gentlemen, I will now request Mr. Anurag Batra to please felicitate our Honorable Chief Minister by presenting him a token of appreciation. Thank you, sir, for joining us today and for gracing. And I would also request Mr. Anurag Batra to thank our Honorable Chief Minister. We'll go to the despotic tonight, right? I'll take you personally, though I'd be in Delhi, but it's my honor just to say, propose a formal vote of thanks. First, I'd like to thank the Honorable Chief Minister to make time for this initiative, to adopt this initiative as his own initiative, because if the leader of the state adopts it, then it really make sure that the administration and the governance machinery goes beyond the objectives that the Chief Minister set. He set up very ambitious objectives of making sure every component of the smart city ecosystem comes together and delivers, as he said, peaceful, prosperous, safe Gujarat. That I think that's what I can translate from what he said. So I just want you to give him a big round of applause. It's clapping is good for your health. You know, trust me, ask your heart doctor. It relaxes heart muscles. So you're doing yourself a favor by clapping. Second, I'd like to thank our co-host, Shri Manish Kumarji, because really under his guidance and supervision, Manish and Fahim and their team have put it together. As I was telling Honorable Chief Minister, Shri Vijay Rupaniji, when I was walking him in, I met him for the first time, that we had started this Smart City magazine a month after the Prime Minister announced the Smart Cities mission. And to all those cynical people who said smart cities are a pipe dream, they will never happen. Gujarat is ahead, as I said, these six cities are on its way. So I don't want to stand between you and the Chief Minister and the other dignitaries on the dais, and there is a full evening's event left. So I just want to say thanks to everyone who's made an effort to come here, all the municipal commissioners, as the CEOs of the smart cities. And also he talked about waste management. In the morning, Mr. Girotra, I wish the CM was there, but I'm sure through Manish Kumarji you can meet him. Sir, he's come up with a technology which has been used in the US. It has come from the defense, where he showcased to us how waste management can happen. And I think all these smart cities can benefit from it, from that technology. So people like you, and I'd also like to congratulate the three young winners of the innovation and the startup ecosystem who are providing innovative solutions to smart cities, because your solutions are the ones that will make the smart cities of tomorrow happen. So thank you, God bless you, and please give him a last round of applause at least for today. Thank you.